Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Sushmita Pathak और आज है एनिवर्सरी की रात. आज एनिवर्सरी के जस्ट एक दिन पहले की रात है जब मैं यहाँ पे अपने घर पे डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी. जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे ये था कि मैं एक दिन पहले थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेती बिकॉज हम लोग की तबीयत भी नहीं सही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं आधा काम कर नहीं पाऊँगी. तो यहाँ पर मैंने जो है वूल लिया है ब्लू कलर का, बिकॉज मेरा कर्टन भी ब्लू था तो मुझे था कि कुछ ऐसा बहुत भद्दा ना दिखे. तो मैंने उसको डबल लेकर के वहाँ पे नॉट बंधवा लिया है. और यहाँ पर मैंने लिया है रेड कलर की साड़ी जो कि मुझे कोलैबोरेशन में आई थी. बहुत ही प्यारी साड़ी है, बट मुझे बड़ा दुख भी हो रहा था कि मैं इसे एज अ कैनोपी मतलब यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे ये था कि कैनोपी बनाना था. और बस इस तरीके से आपको जो है लेना है और इनको अच्छे से जो है बीच से निकाल देना है और बस इन्हीं का जो सहारा रहेगा. और आप चाहो तो यहाँ पर बैंगल्स का भी यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पर मैंने उनका इसलिए यूज़ किया बिकॉज मुझे पूरा कर्टन नहीं खोलना था. और अभी यहाँ पर मैं अपनी बेडिंग लगा रही हूँ अच्छे से. और बेडिंग लगा करके इसमें आपको फंसा देना है अपना जो भी साड़ी है उसको अच्छे से टक इन कर लेना. और आपको कोशिश ये करनी है कि जो आपकी कैनोपी बने वो थोड़ी टाइटनेस के साथ रहे. ऐसा नहीं कि बहुत लुंच पुंसी है साड़ी है तो मतलब एकदम नीचे घुसा जा रहा है. आपको अच्छे से टाइट से बांधना जिससे कि जो आप लाइट्स वगैरह लगाओ वो अच्छे से प्रॉपर एक तरीके से लुक आए इसका. तो मैंने मेहनत तो बहुत ज़्यादा की थी और काफ़ी देर भी हो गई थी मुझे ये सब करते करते, बट जो बोला जाए ओवरऑल जो मतलब इसका रिज़ल्ट था वो काफ़ी अच्छा था. एंड मैंने इंस्टाग्राम पे जब डाला तो काफ़ी लोगों ने बोला कि दी आप अपना प्लीज़ डेकोरेशन का जो भी रहेगा मुझे ज़रूर दिखाइएगा बिकॉज हम लोग का भी एनिवर्सरी आ रहा है. तो मुझे मैंने वैसे भी बना रखा था क्योंकि मुझे था कि चलो आज क्या और दिखा सकते हो. ऑब्वियसली बात है हम घर पर तो हम क्या कर सकते, चलो घूमने जाते तो आपको दिखाते भी सही. तो जस्ट यही सारी चीज़ें मैंने रात भर की है. और इसके अलावा मैंने सोचा भी है कि बहुत जल्दी मैं कुछ ऐसे मतलब कटिंग वटिंग वाली चीज़ें यूज़ करके घर को कैसे सजाती वो दिखाऊंगी. और यहाँ आप देख रहे हो बीच मैंने एक थ्रेड लटका रखा था. एक्चुअली मेरे पास कोई रास्ता नहीं था थ्रेड लटकाने का, तो मैंने ये अलमीरा के अंदर बहुत मुश्किल से वूल को जो है डाला है. और यहाँ पर मैंने एक ये चिपकाने वाले जो हैंगर्स आते हैं ये लगाए हैं और इसमें फंसा के जो है इसमें ऊन को अच्छे से बांध दिया है. अब यहाँ पे क्या करना है मुझे लैंटर्न्स बनाने हैं. आपको क्या करना है लैम्प बनाना है मतलब इसका पेपर का. तो आपको इस तरीके के जो भी चार्ट पेपर सा कलरफुल मिल जाते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पे मैंने 3 से 4 कलर का यूज़ किया है जिसमें से रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो का यूज़ किया है मैंने. और यहाँ पर क्या करना होता है आपको एक पेपर लीजिए आप और उसको एक बार फोल्ड कर दीजिए जैसा कि अभी आपको दिखेगा कि मैंने किस तरीके से फ़ोल्ड किया है. तो आपको दिख रहा होगा कि ये दो पेपर है इसको मैंने फ़ोल्ड करके रखा है. और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कटिंग. अच्छा कटिंग मैं उस साइड से करूँगी जिस साइड से बीच में ये जुड़ा रहेगा. आपको उस साइड से कटिंग नहीं स्टार्ट करनी जिधर से दोनों जो है अलग हैं, बल्कि उधर से करना जिधर से दोनों जो है एक साथ जुड़े हुए हैं. इनको अच्छे से जो है आपको बीच में रब करना है और देन इनको जो है कट करना है और पूरा का पूरा नहीं काटना है. जैसे कि आप देख सकते हो मैं आधी दूर तक ही मतलब ये सीज़र का यूज़ कर रही हूँ और आधी दूर छोड़ दे रही हूँ. तो ये मतलब लैम्प बनाना मैंने बचपन में बहुत सीखा, मैंने बहुत बनाया है लैम्प. तो मैंने कहा चलो यार आज यहाँ भी यूज़ कर ही लेते हैं. अच्छा यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ एक बड़ा लैम्प था, इसका कोई यूज़ नहीं था क्योंकि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो छोटे छोटे लैम्प चाहिए थे, मैं इतना बड़ा बना के क्या करूँगी. फिर मैंने इनके साइज़ को क्या किया छोटा कर दिया और मैंने छोटे छोटे लैम्प्स बनाना शुरू किया. और छोटे छोटे लैम्प्स बनाया वो काफ़ी अच्छा रहा. और आप देख सकते हो इस तरीके से ओपन करके जस्ट इनके जो एज पॉइंट्स हैं उनको जो है दूसरे एज पॉइंट पे मिलाना है और ये बन गया आपका लैंटर्न. अब आपको यहाँ पे क्या करना है आपको फेविकोल का यूज़ करना है, उसको चिपका के रख देना. और इसमें आपको हैंगिंग लगा लेनी है. हैंगिंग लगाने के लिए आपको जस्ट पेपर को कट करना है और उसको बस दोनों साइड में चिपका देना है. और इस तरीके से आपकी ये जो है लैम्प तैयार हो चुकी है. और अब हम इसको जो है ढेर सारे बना के रख लेंगे. देन हम इसको एक ऊन या डोरा जो भी आप यूज़ कर सकते हो, थ्रेड जो भी यूज़ करते हो आप, जो आपको लगता है मजबूती से रुक सकता है, जिसके ऊपर अगर आप लाइट्स वगैरह लगाओ तो उससे टूटेगा नहीं. तो आप देख सकते हो कितने सारे मैंने कटिंग कर लिए थे एंड मैंने इन सारों को एक साथ जोड़ करके और इस पे जो है हैंगिंग भी लगा दी थी ताकि कहीं भी हम इसको लटका सकें. और ये देखिए आप किस इस तरीके से मैंने जो है इस यहाँ पर यूज़ किया वूल का और यहाँ पर लटका लिया है सारे हैंगिंग में. और काफ़ी अच्छा लग रहा था. मैंने यहाँ पे 3 लेयर बनाई थी बिकॉज मुझे ये था कि सिर्फ जो एरिया मेरे कैनोपी को पूरा सेव कर सके अच्छे से कवर कर सके उतना ही मुझे करना है. बहुत ज़्यादा मैं कर लेती तो हौच पौच हो जाता, अच्छा नहीं लगता. दूसरी बात ये कि फ़ोटोज़ आती नहीं लैंटर्न के साथ में अच्छे से, तो इसलिए मैंने सिंगल 3 ही जो है मतलब लाइनिंग वाला बनाया. और बाकी बीच बीच में मैं जो खाली जगह दिख रही थी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था तो मैंने एक सिंगल भी किया जो कि आपको वीडियो के एंड में दिखेगी. अभी जब कम्प्लीट हो जाएगा तब होगा ऐसा. तो यहाँ पर मैं सारे लैंटर्न्स को एक साथ कर रही हूँ. बाकी आज का दिन भी
अच्छा रहा, मेरे दिन में शॉपिंग की थी, शॉपिंग का व्लॉग भी जा चुका है, उस पर अच्छा रिस्पांस मिला है। एंड इस तरीके से और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और आज का जो व्लॉग था वो सिंपली मैंने घर पे ही किया, हम कहीं बाहर क्योंकि जा ही नहीं सकते थे, हमारी तबीयत नहीं सही थी, तो मैंने यहाँ पे देखिए कैसे यूज़ किया है, जो बीच बीच में मैंने सिंगल सिंगल भी डाले हैं। और अभी ये नेक्स्ट डे का है जिस दिन मतलब एनिवर्सरी है, ये उस दिन का यानी कि 19 नवंबर का है। और यहाँ पर मैंने दिन में सिंपली दिन का ही व्लॉग स्टार्ट किया, यहाँ पर मैंने ढेर सारे बलून्स फुलाए थे और सबसे अच्छी बात मैं सब कुछ भूल चुकी थी, और यहाँ पर मेरे पति कुछ कह रहे थे तो मैं यहाँ पर मुझे पा रही हूँ अपना। और यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ बलून्स का यूज़ किया, और इतनी मतलब लाइक लास्ट मैंने सोच रखा था मुझे कैंडल्स लगाने थे, फ्लावर्स लगाने थे, बट मैं सब भूल गई लास्ट में। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मेरा वो वीडियो पॉज कर दिया गया था, क्यों? क्योंकि खांसी आ रही थी। तो फिलहाल बता दूं आज का जो दिन है वो थोड़ा सा दिन भर बोरिंग सा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी भी तबीयत नॉर्मल है, मतलब ठीक है, ठीक ठाक चल रहा अभी। तो सबसे पहले तो मैं खुद को अपने आप को ही विश कर लेती हूँ हैप्पी एनिवर्सरी। और अपने आप को क्यों विश कर रही हूँ, किसी को मिलवाती हूँ जो बीच के मूड में है, ऐसा लग रहा है बीच पे जा रहे हैं। बीच के मूड में नहीं हूँ, सो गया था। और मेरी शक्ल तो बिल्कुल ना जाए, क्योंकि मेरी क्योंकि मैं रात भर इतनी मेहनत की, ये आदमी से सोने में अपना पूरा दिन बिता दिया, पूरा दिन बिता दिया इन्होंने सोने में। मौसम कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा था तो फिर इसीलिए अब जा तो पा नहीं रहे हम कहीं, तो ये ब्लू स्पेक्स लग जा रहे हैं। तो जल्दी जाएंगे, अभी सबसे पहले मैं विश कर देती हूँ अपने पति को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ऐसे मत करो। तो गाइज आज हमारा सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी, और ऐसा फील तो हो रही है क्योंकि हमारा एक साल तो इधर उधर चला गया, जिनका रोज क्या कहना होता है कि हर दिन व्लॉग बनाओ, हर दिन व्लॉग बनाओ, 365 दिन बनाओ। हाँ बस मुझे मत लो, मतलब मैं पागल हूँ कि पूरे घर में 65 दिन बनाओ, 65 दिन मुझे ले लो, 300 दिन नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं पागल हूँ, झक्की हूँ कि पूरे मतलब दिन भर यहाँ इसी घर में टहलती रहूँ, अकेले बैठ के मैं ब्लॉगिंग करूँ। क्यों घर में टहलोगी, बाहर टहल टहल के बनाओ ना। तो अभी जो है हो रहा है, शाम के 4 हो रहे हैं और भी चाय वाय पीकर के हम बैठे हैं, मेरा डेकोरेशन भी हो चुका है जिसमें से इतना इतना सा भी हेल्प इन्होंने नहीं किया है। झूठ मत बोलो, सिर्फ और सिर्फ कैनोपी में जो यूज है वो पाने के लिए झूठ मत बोलो। झूठ नहीं, झूठ नहीं, यूज और सिंपैथी के लिए झूठ मत बोलो। सिंपैथी तो चाहिए ना, मुझे थोड़ा सा तो गेन करना पड़ेगा ना, तभी तो लोगों को मेरे ऊपर दुखी थोड़ा सा होंगे लोग। तो फिलहाल कोई हेल्प नहीं है, मस्त चाड़ के सोए हैं, अभी उठ गए हैं, तो बस अब उठ गया तो चलते हैं कहीं पे, क्योंकि हम लोग सुबह नहीं जा पाए थे मंदिर, क्योंकि हमने सोचा शाम को जाएंगे क्योंकि आज धूप एक्सेस थी, तो बहुत सारा क्योंकि करने के बाद में अब मैं चल रही हूँ तैयार होने। और ये तो रेडी है, देख तो रही है कि मूड में बीच जाने के, जो कि ऐसा बीच है जो कि सूख ही गया है, पूरा सूखा गया है यहाँ पे, है ना, आ जाएगा पानी अभी कुछ देर में। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कैसा लगा 2 साल? बहुत तो भैया इतनी तारीफ इनको करने की लगी कि खांसी आ गई। बहुत अच्छा था 2 साल, मतलब मजा ही आ गया। आप लोगों को क्या लगता है, सही कह रहे हैं सर का? सही कह रहा हूं। फाइनली 3-4 घंटों की मेहनत के बाद यहाँ पर ये सब कुछ रेडी कर लिया गया है, बट अभी 1-2 घंटों से मेकअप चल रहा है। करा किसने है? मिलके किया है हमने। करा किसने? झूठ यार, हमने मिलके किया है, हमने मिलके किया है ये सब। अच्छा ये यहाँ तक कैसे कोई पहुंचेगा? मैं ही मैंने पहुंच के किया है इन्होंने, और पिछले 1-2 घंटे से मेकअप ही चल रहा था, बट कुछ मेकअप पता तो नहीं चल रहा है यार। हाँ तो एकदम हल्का सा किया है, ऐसे हल्का सा दिखाओ, हल्का सा क्यों, हल्का सा दिखाओ, पास से दिखाओ ना, खुद ही मैं डर जा रही हूँ। फाइनली अचानक से यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी, पता नहीं क्यों अंदर लग रही है गर्मी, शायद बारिश होने वाली है, कल भी बारिश हुई थी। अभी हम लोग जाएंगे मंदिर और फिर मंदिर से टिकते हैं बाहर कहीं पे घूमने के लिए जाएंगे। मतलब क्या, अभी 7 बज रहे हैं और अभी थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा अच्छी सी दिखूं मैं। हाँ तो 7 बज गए हैं अभी, तो अभी जाएंगे मंदिर, मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर वहां से हम निकल जाएंगे, डिनर करेंगे, डिनर करके आएंगे, तब हम केक कट करेंगे आराम से, और फिर मुझे एक प्रॉपर Q&A वीडियो बनानी है। ओके हाँ बना देंगे। ओके ठीक है। मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ऐसा कहा ना अभी, इसमें बोलो वीडियो में बोलो, बहुत सुंदर लग रही है ना, बोलो ना तेजी से बोलो ना, हाँ बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ देखा, इसी को कैप्चर करने के लिए मैंने सिर्फ कैमरा उठाया था, ठीक है, क्योंकि तारीफ तो कम हो गया ना, चले चलो चलो।
तो अभी हम निकल चुके हैं डिनर करने के लिए और हम जा रहे हैं पर्लेन बीच रिजॉर्ट जो कि दहानू में ही है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट हैं, आप मतलब लाइक संडे वगैरह पे अगर आप घूमने जाते हो तो आपको मज़ा आएगी। और पर्लेन काफ़ी अच्छा है, लाइक पूरा ओपन है और हम लोग जस्ट ऊपर गए थे इसीलिए क्योंकि यहाँ से पूरा ओपन है और देखने बड़ा अच्छा लगता है। पूरा यहाँ से बीच जस्ट सामने ही है हमारा, जहाँ पर आप मेरी रोज़ की स्टोरी देखते होगे वो जस्ट सामने है। और यहाँ पर आगे मेरा कन्वर्सेशन है कुछ, मेरा मेरे पति से कुछ है और आपको सुनेंगे और आपको खुद बहुत हंसी आने वाली है। मैं खुद नहीं समझ पा रही क्या कर रही हूँ मैं, तो आगे आप एंजॉय कीजिए कि क्या हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैं नौटंकी कर रही थी और हमारे बीच में ऐसे ही रहता है। और अभी जो आपको एक साइट जो दिख रहा है ना, ये एक ओरिजिनल साइट है। हमेशा हम क्या करते थे, लाइक छुपा लेते थे, लाइक क्या होता है कि हम वॉइस को धीमा कर देते या हटा देते हैं, बट रियलिटी जो है वो मैं आज आपको इसी व्लॉग में दिखेगा कि हम किस तरीके से लड़ते झगड़ते जो भी करते वो सही रियलिटी यही है। क्या होता है ना कि आपके घर में भी काफ़ी लोग देख रहे होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आप ओरिजिनल नहीं उतना दिखा पाते हो, बट मैंने आज दिखाने की कोशिश की। तो अभी हो गए हैं रात के 10 और हमारा डिनर भी हो गया और इतना ज़्यादा खाने के बाद में ना जैसे नींद सी चढ़ी हुई है, लग रहा है केक कल ही काटे सीधा। बट अभी चल रहे हैं घर पर, थोड़ा सा चेंज नहीं करेंगे, फोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे क्योंकि यहाँ पे अब हम दोनों आए थे सिर्फ इन्जॉय करने के लिए, इन्जॉय किया हमने तो अच्छा रहा यहाँ का आज का। और कैसा लगा तुमको रेस्टोरेंट? देखो अच्छा लगा और यहाँ पे पास ही में ना 2-3 और रिजॉर्ट है, वहाँ पे भी हम जाएंगे, हमने ट्राई करने का सोचा है। स्पेशली दहानू में एक है क्रैब करके, उसके मुझे नाम से बड़ा अच्छा लगता है क्रैब, उसमें क्रैब्स बने हुए हैं बहुत सारे। हाँ बहुत सारे बने, तो देखते हैं कहीं चलते हुए कि तुम्हारा ऊपर ना आ जाए। नहीं कुछ थीम बेसिस पे है, वो भी ट्राई करेंगे नेक्स्ट, फिर आएंगे किसी दिन वहाँ तब आएंगे। अभी फिलहाल चलते हैं थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव करेंगे, उसके बाद चलेंगे घर। ले चलोगे ना कहीं बाहर और थोड़ा सा आगे? तो भैया बैठ गए हैं एक लोग सिंहासन पे अपने, जहां पर पूरा सामान मेरा फेंका जा रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है अब। तो अभी यहाँ पे केक कट चुका है और अभी यहाँ पे चल रहा है Q&A की तैयारी। फाइनली बहुत मुश्किल से मैंने इनको मना लिया है मतलब, और मैं जा रही हूँ बैठने और जा रही हूँ Q&A बनाने, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए थोड़ी देर के बात करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केक कट करने, बहुत ज्यादा थकान भी हो गई है, तो बस ऐसा लग रहा है जल्दी से सब कुछ कर लो और उसके बाद जो है चलते सो जाओ शांति से। मुझे ये लग रहा है, तुम मत बोलो सोने की बात करो, दिन भर सोए हो आज, बहुत लेट हो गया है, ये एक्सेस सोया। मेरा सर ऐसे कट जा रहा है, मुझे ऐसे बैठना पड़ेगा नहीं तो उठना पड़ जाएगा। अभी मुझे Q&A भी करना है और सबसे बड़ी अच्छी बात है कैंडल्स नहीं लेके आए। क्यों छूट गया? उसे पूछना चाहिए था ना, लेट हो रहा था, जल्दी जाना था मैं कहीं पे, या नहीं बस भूल गया बेचारा यार, फैमिली चल रहा है। अच्छा चलो लगे हाँ, जल्दी से बता दो मुझे कि कैसा आज का दिन रहा? बहुत अच्छा दिन था, कुछ भी तो नहीं किया है तो अच्छा क्यों रहा, नहीं चल रहा अभी तो बहुत अच्छा था। कोई बात नहीं, लो मैंने। तो यहाँ पर बहस चल रही है हमारे बीच में कैंडल जलाने पे और किसी में भी मतलब ये नहीं हो रहा कि जाके फ़ैन बंद कर आए, बट यहाँ पे सारा नाटक चल रहा है और यहाँ पर बस यही सब नाटक हो करके केक कट होगा। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो को भी एंड कर रही हूँ और अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आगे के ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अब मुझे सच में थकान हो गई है जिंदगी वाली। ओके गाइस, तो फाइनली कैंडल जल चुकी है। वीडियोस के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं गलत बात नहीं, बनाने के लिए वीडियोस के लिए नहीं था, आज ही तक अच्छे से डेकोरेट किया मतलब, था। हां क्या इन जनरल बोल रहा हूं आज के लिए, लोगों की सोच ये है, इन जनरल बोल रहा हूं। अच्छा याद करो जब वैलेंटाइन डे था फर्स्ट, तो मैंने तब भी ऐसे तैयार अच्छे से सजाया था ना रूम को, तब कौन सा वीडियो बनाती थी? अरे मैं इन जनरल बोला है, लोगों की बहुत गंदी सोच होती है, तो चले इनकी तो मेरा अपना पति है तो क्या ही बोलू कोसू, लेकिन औरों की भी सोचते थे अरे आज तो ब्लॉग बनेगा, अरे नहीं अभी कहीं जा रहे मतलब घूमने के लिए जा रहे मतलब ब्लॉग के लिए जा रहे होंगे, अरे भैया
पैसे यूट्यूब नहीं दे रहा है। मेरे भी फ्रेंड्स ये बात कहते हैं। हाँ, पैसे यूट्यूब नहीं दे रहा, मेरा पति ऑर्गेनाइज करता है घूमने का, मेरा यूट्यूब नहीं दे रहा है मुझे पैसे घूमने का, तो मत कहा करो यार। कौन फ्रेंड कहता है? फ्रेंड्स कहते हैं मेरे। कौन से फ्रेंड्स कहते हैं? मतलब कहते हैं, तुम्हें नाम थोड़ी बताऊंगा। इसके बाद अगले में ना नाइफ होगा मेरे पास, वो फ्रेंड्स भी समझ रहे होंगे मेरी बातों को प्यार से। मैंने अपनी बातें भी कह ली आज। चलो चलो जल्दी से फूको जल्दी से। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। मुझे लगा तुम मुझे कहने वाली हो। टू अस। चलो बहुत अच्छा नाइफ दिया है इन्होंने, एक्सेल अच्छा नाइफ है। तो अच्छा तो है, ऐसी बचत की है ना। चलो कोई नहीं, केक लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है मुझे। आज हमारा जो प्लान था चार पांच ऑप्शन दिए थे उसने, मैंने पूछा जो अच्छा हो आप बता दीजिए, उसने कहा यही है। मतलब दूसरे के बल पे पूछ के लाए वो, उसने कहा यही है। अच्छा सच में? अच्छा चलो क्या दो हल्का सा, मुझे वीडियो बनानी है, बाकी अब कल सुबह खाएंगे। अभी मेरे फेवरेट उसको देना यार। किसको? चिराग को मुझे देना है ये, ऐसे नहीं। ये तो खा सकता हूँ। हाँ, इसके बाद नहीं, मुझे मेरा एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बच्चा है हमारे पास में रहता है, और मेरा बहुत ही छोटू सा फॉलोवर बोलूंगी मैं उसे, मेरी सारी वीडियोस देखता है। चिराग अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो कल मैं केक लेके आऊंगी चिराग तुम्हारे लिए, और पक्का भी वीडियो देखेगा वो जब वीडियो आएगा। हाँ मतलब एक दो दिन बाद ठीक है वो वीडियो आ जाएगा, मतलब मैं चिराग का नाम ले रही हूँ उसमें। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अपनी इस वीडियो को आज ही एंड कर दूंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं अभी इसके बाद जा रही हूँ एक क्यूएनए शूट करने, सुबह में सो जाऊंगी, बहुत थकान अब हम लोग को भी हो गई है। बाकी आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरी साड़ी कैसी लगी? साड़ी बहुत अच्छी लगी। साड़ी एक्चुअली ये शादी में माँ की तरफ पसंद की थी, गांधी आश्रम की थी, और इनको बहुत पसंद थी, तो इसलिए मैंने आज ये साड़ी पहना। पहले मैं गरारा पहनने वाली थी, फिर मैंने साड़ी पहना। और एक लास्ट में एक चीज और बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, सस्पेंस है वो, किसी अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी।